तो ये देखा आपने, आवाज से आपको लग रहा होगा कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है। आपकी भी गुजिया एकदम ऐसी क्रिस्पी बनेगी। आपको बस कुछ टिप्स का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो टिप्स शेयर की हैं जिससे आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी, क्रिस्पी बनेगी और आप इसे स्टोर कर सकते हैं करीबन एक हफ्ते तक। तो आप एक बार ये गुजिया बना के जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं गुजिया के अंदर की स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई लिए, इसमें जाएगा सबसे पहले 1 चम्मच घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए, हल्का सा गर्म हो जाए, तब इसमें जाएगा 3 चम्मच बेसन। कुछ लोग सिंपल सूजी की भी गुजिया बनाते हैं, इसमें अगर आप बेसन का ऐड करेंगे तब गुजिया में फ्लेवर काफी अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच बेसन ऐड किया है। आप एक बार बेसन ऐड करके देखिएगा, आपको रिजल्ट खुद समझ में आएगा। तो इसे अभी हमें अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को एकदम मीडियम लो रखें और बेसन को 80% आपको भून लेना है। तो जब ये अच्छे से भून जाएगा तब ये दानेदार हो जाएगा। ये देखिए पहले से काफी ज्यादा टेक्सचर में चेंज है, 80% मैंने इसे भून लिया। अब डाल देंगे यहाँ पे 4 चम्मच सूजी। तो अब हम बेसन और सूजी दोनों को साथ में भूनेंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको बेसन को 80% भूनना है क्योंकि सूजी के साथ अब दोनों चीजें भूनेंगी। तो आपको ये तब तक भूनना है दोनों चीजें जब तक कि ये जो है थोड़ा कलर चेंज नहीं होने लगता, इससे एक बढ़िया सी महक नहीं आने लगती। और ये देखिए करीबन 10-12 मिनट बाद ये अच्छे से कलर चेंज हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे नारियल का बुरादा और ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने 1 कप नारियल का बुरादा डाला है और ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम किशमिश डाले हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीजों के साथ। फ्लेम को एकदम लो रखिएगा वरना नारियल का बुरादा जलने लगता है। और ये देखिए सारी चीजें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इसमें लास्ट में जाएगा चीनी का पाउडर। तो ये आपको गैस के फ्लेम को ऑफ करके डालना है वरना चीनी जो है वो जल जाती है, इसीलिए आप पहले गैस को बंद कर दें, बाद में चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमने कितना कम सामान लिया था, अभी देखिए क्वांटिटी बहुत ज्यादा लग रही है। तो आपको भी सारी चीजें मेजरमेंट से लेनी है तो क्वांटिटी कम ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी, एकदम परफेक्ट आएगी। अभी इसे हम रख देते हैं और यहाँ पे डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए मैदे में डालेंगे 4 चम्मच घी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑयल का यूज नहीं करना है, घी का यूज करिएगा तभी गुजिया एकदम खस्ता बनेगी और जो ऊपर की लेयर रहती है उसमें बबल्स नहीं आएंगे। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे और आपको इसमें इतना घी डालना है कि जब आप इसे बांधे तब देखिए इस तरह से बनने लगे। अगर आपको ये बिखर रहा है, बंद नहीं रहा है, तब इसमें आप थोड़ा सा घी और ऐड करें। अब इसका डो लगाना है। डो जो है हमें इसका मीडियम लगाना है, यानी कि सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम डो हो। तो यहाँ पे बैचेस में करके पानी डालें और इसका एक मीडियम डो लगा लें। तो ये देखिए डो हमारा बनके तैयार है। अभी इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे डाल रहे हैं 1 कप मावा। तो मैंने ये मावा जो है मिल्क पाउडर से बनाया है। आप चाहे तो बाजार का मावा डाल सकते हैं या फिर अगर आपको मावा वाली गुजिया नहीं पसंद तब आप जो हमने स्टफिंग बनाई है उसे भी फिल करके गुजिया तैयार कर सकते हैं। मावा डालेंगे तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। और ये देखिए स्टफिंग तैयार है, यहाँ पे डो भी तैयार है। अब हम इसकी गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस साइज के हमें बॉल्स तैयार करने हैं। अब मैं आपको एक गुजिया बना के दिखाती हूँ। तो गुजिया बनाने से पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा फ्लोर डस्ट कर लें। तो यहाँ पे आप गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं या फिर मैदा यूज कर सकते हैं। अच्छे से हम इसे चारों तरफ प्रेस करते हुए बेल लेंगे पूरी के बराबर। और ये देखिए ये हमने पूरी साइज का बेल लिया। अब इसमें हम भरेंगे अंदर स्टफिंग। तो स्टफिंग आपको ध्यान रखना है ओवर स्टफ ना करें वरना गुजिया फ्राई करते टाइम खुल जाएगी, इसीलिए आपको स्टफिंग इसमें बिल्कुल कम भरनी है। तो यहाँ पे ये देखिए 1.5 चम्मच मैंने स्टफ किया। अब हम किनारों में लगाएंगे पानी। तो ये पानी आपको ध्यान से लगाना है, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए वरना ये चिपकेगी और आपको डिजाइन देते नहीं बनेगा। अब मैं आपको इसकी डिजाइन बताती हूँ। मैं ये गुजिया बिना सांचे के बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है और इसकी डिजाइन देते जाना है। आप ये गुजिया फ्राई करके चाशनी में भी डाल सकते हैं तो ये चाशनी वाली गुजिया बन जाएगी। तो ये देखिए एक गुजिया बन के तैयार है। अब दूसरे टाइप की मैं आपको गुजिया बना के दिखाती हूँ, ये भी हम बिना सांचे के बनाएंगे। तो ये देखिए इसका डिजाइन अलग है। ये आपको पहले अच्छे से सेम प्रोसेस है, पानी लगा के फोल्ड कर लेना है, फिर थोड़ा सा मोड़ दें, इसके बाद एक कांटा ले और इस तरीके से निशान बना दें। तो ये देखिए ये हमारी गुजिया तैयार है। तो इस तरह से भी आप गुजिया बना सकते हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं।
फ्राई करने के लिए ऑयल हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद फ्लेम को लो करें और यहाँ पे ये गुजिया डाल दें। जब गुजिया डाल देंगे तब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तब आपकी गुजिया में बबल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे और एकदम क्रिस्पी अंकली गुजिया बनेगी। तो ये देखिए, अब हमें इन्हें पलट के अच्छे से सेकना है। तो एक बैच को आपको फ्राई करने में करीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा मीडियम फ्लेम पर। और अभी देखिए, 5-6 मिनट बाद इनका कलर चेंज हो गया है, यानी कि हमारी गुजिया अच्छे से सिक चुकी है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से हमने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है। तो आप चाहें तो अगर आपको चाशनी वाली गुजिया खानी हो तब आप इन्हें चाशनी में डालें, या फिर अगर आपको काफी टाइम तक इन्हें स्टोर करके रखना हो तब आप ये सूखी गुजिया बनाएं। तो अब मैं आपको ये एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी देर तक क्रिस्पी बनी है। और ये देखिए, तोड़ने से ही आपको लग रहा होगा, इसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, आप ये सारी टिप्स फॉलो करके एक बार गुजिया इस टाइप से बना के जरूर ट्राई करिएगा। इसमें आपको सांचा भी नहीं चाहिए, बहुत आसानी से बनाना, तो आप एक बार जरूर बनाएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।